मैं हरवीर गुजर संज्ञान प्रतियोगी संस्थान मन्नी का बड़ा अलवर से। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान पर आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको राजस्थान जीके की। आपको कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स रेगुलर उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको महिला एवं बाल अपराध की कंप्लीट क्लासें मिलेंगी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और दोस्तों सारे लेटेस्ट आंकड़ा जोड़ करके आपको पूरा कंप्लीट जीके पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको नए पुराने आंकड़े कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम राजस्थान की ऊर्जा पढ़ रहे थे, उसमें से हमने दोस्तों बात कर ली थी जो संयुक्त परियोजनाएं हैं एनर्जी के संबंध में, तो उनमें एक परियोजना रह चुकी है हमारी चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना में हम बात करते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों हम ये किस किस की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों का हिस्सा दोस्तों 50-50% है, 50:50 में ये बटी हुई है। 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होती है, 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। दोस्तों ये तो ऊर्जा का स्ट्रक्चर है यहाँ से दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों हम देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन से बांधों से एनर्जी उत्पन्न होती है, ये सारी बातें देख लेते हैं। कौन सा बांध केवल सिंचाई के लिहाज से बनाया गया है, तो देखिए मध्य प्रदेश में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, जिला है महू जिला, महू, जानापाव की पहाड़ियां हैं, जानापाव की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी महू से ये निकलती है दोस्तों, ठीक है, जानापाव की पहाड़ी मऊ जिला से। और माही कहां से निकलती है दोस्तों, माही नदी का उद्गम है अमरोरू की पहाड़ियां और धार जिला, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है दोस्तों। अब ये अपन बात करते हैं, तो दोस्तों ये इस तरीके से मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश में इस पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो बांध बनाया गया उसका नाम है दोस्तों गांधी सागर, गांधी सागर बांध बनाया हुआ है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो ये राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राज्य में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आगे चलकर एक रेनफॉल बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों, जलप्रपात है जो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है इस पर भैंसरोडगढ़ में, चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचाई है दोस्तों चूलिया जलप्रपात की, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात है, और भारत का सबसे ऊंचा है जोग जलप्रपात या गरुसप्पा जलप्रपात है दोस्तों, कर्नाटक में है दोस्तों। और उसके बाद अपन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं, तो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में, 979 मीटर ऊंचाई है उसकी, कैरो नदी पर है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं यहां से, तो यहां पर दोस्तों एक बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। फिर आगे चल करके दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ से आगे ये कोटा में प्रवेश करती है, यहां तक हम कोटा की सीमा मान लेते हैं दोस्तों, कोटा ये हम चित्तौड़ की सीमा मान रहे हैं यहां से,
चौरासीगढ़ से। तो कोटा में एक तो बांध बना हुआ है दोस्तों, इस पर जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद कोटा में आगे चलकर इस पर बांध बना हुआ है दोस्तों कोटा बैराज, कोटा बैराज। फिर दोस्तों ये देखिए बूंदी, बूंदी बूंदी से दोस्तों करौली, वहां से सवाई माधोपुर, और दोस्तों आगे धौलपुर, और धौलपुर के बाद दोस्तों मुरादगंज से ये यमुना में चली जाती है दोस्तों, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये तीनों बांध है जो ये करीब 100 किलोमीटर के दायरे में ही बने हुए हैं दोस्तों। और चंबल नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर राज्य सीमा बनाने वाली भी एकमात्र नदी है, 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो बात हमारा तो मैं तो ये हम अलग से पढ़ेंगे सारी नदियां, लेकिन चंबल घाटी परियोजना में मैंने आपको ये भी थोड़ा बता दिया है। बाकी डिटेल से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो सारे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की जो स्वतंत्र परियोजना है, खुद की परियोजना है, स्वयं की परियोजना, जल विद्युत परियोजना जो राजस्थान की स्वयं की है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए राज्य की स्वयं की, राज्य की स्वयं की परियोजना है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम बात करते हैं पहली अनास परियोजना, पनविद्युत परियोजना, पन विद्युत भी लगा देना दोस्तों। वैसे तो हम पढ़ ही रहे हैं जल विद्युत परियोजना, तो जल विद्युत परियोजना ही है, तो अनास पन विद्युत परियोजना है। ये कहां पर है दोस्तों, बांसवाड़ा में है, और कौन सी नदी पर है दोस्तों, अनास नदी पर, अनास नदी पर। यहां से राजस्थान को 100% एनर्जी, मतलब 100% जब अपन कह ही रहे हैं कि राजस्थान की खुद की है, तो पूरी की पूरी एनर्जी राजस्थान को मिलती है। और यहां से 140 मेगावाट ऊर्जा जल विद्युत मिलती है राजस्थान को दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जाखम परियोजना, जाखम परियोजना। तो देखिए दोस्तों ये जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ जाखम नदी पर। तो जाखम नदी पर ये लघु पन विद्युत परियोजना है, यहां से राज्य को कंप्लीट एनर्जी मिलती है 5.5 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, और भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में दोस्तों, और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है ओडिशा में माही नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरी परियोजना। तो देखिए इंदिरा गांधी से भी कुछ जो उसकी शाखाएं हैं वहां पर भी अलग अलग जगह पर विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं दोस्तों। तो देखिए इंदिरा गांधी पन विद्युत परियोजना है, इंदिरा गांधी पन विद्युत परियोजना है। तो देखिए दोस्तों वैसे तो इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजनाओं में तो हम बहुत सारी पढ़ेंगे,
और वहां डिटेल से पढ़ेंगे इंदिरा गांधी परियोजना को भी। लेकिन पन विद्युत की बात करते हैं तो यहां पर एक तो है दोस्तों अनूपगढ़, एक तो दोस्तों अनूपगढ़ है, एक पुंगल है, एक मांगलोर है, मांगलोर, एक बिलसलपुर है, एक बिलसलपुर, एक दांतोर है, एक चारण वाला है। तो देखिए दोस्तों इन कुछ शाखाओं से भी राजस्थान को एनर्जी प्राप्त होती है करीब 23.5 मेगावाट, 23.50 मेगावाट के आसपास यहां से विद्युत उत्पादित होती है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो जल संचालित जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको देख लेते हैं, करते हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना। सबसे पहले हमने बात करी थी राजस्थान और अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना, फिर राजस्थान की स्वयं की परियोजना, अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इनमें तो नाथपा झाकरी परियोजना है, नाथपा झाकरी। तो देखिए दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और सतलज नदी पर है, सतलज नदी, और कौन से राज्य की है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो चमेरा परियोजना, चमेरा जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों ये रावी नदी पर है, रावी नदी, और ये भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए नाथपा झाकरी और चमेरा दोनों हिमाचल प्रदेश, लेकिन नदियां अलग हैं दोस्तों, सुमेलित करवाते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो आपको नदियां भी याद रखनी है, बार बार वीडियो को आप देखते रहिए याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं तो धौली गंगा, धौली गंगा। तो दोस्तों ये धौली गंगा नदी पर ही है, धौली गंगा नदी, और ये उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है धौली गंगा परियोजना, धौली गंगा नदी उत्तराखंड में। उसके बाद हम बात दोस्तों देखिए नाथपा झाकरी, सतलज पर, चमेरा, रावी पर, धौली गंगा, धौली गंगा नदी पर, टनकपुर है दोस्तों काली नदी पर, काली नदी पर, और ये भी कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए एक परियोजना है सलाल, सलाल परियोजना है दोस्तों, ये है जो चेनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, तो चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर की परियोजना है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो उरी परियोजना है दोस्तों, उरी कहां पर, कौन सी नदी पर है दोस्तों, ये झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर, और ये भी जम्मू कश्मीर की। तो देखिए दोस्तों दो दो परियोजनाएं हैं, नाथपा झाकरी और चमेरा दोनों हिमाचल प्रदेश, लेकिन नदियां अलग अलग है, सतलज और रावी। उसके बाद धौली गंगा और टनकपुर दोनों उत्तराखंड की हैं, लेकिन धौली गंगा नदी पर है, टनकपुर काली नदी पर है। उसके बाद सलाल और उरी दोनों जम्मू कश्मीर की हैं, लेकिन सलाल चेनाब पर है और उरी झेलम पर है। तो दोस्तों ये राज्य सुमेलित करवाए जा सकते हैं यहाँ से आपको, और दोस्तों नदियां भी आपसे सुमेलित करवा ली जाएंगी, तो ये अच्छे से आप पढ़ना। तो देखिये राज्य परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ चुके हैं, अनवीकरणीय स्रोत पढ़ लिए हैं दोस्तों, या हम गैर वैकल्पिक भी कह सकते हैं, ये पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, थैंक यू दोस्तों।